हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ SHM को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ SHM कहते ही याद आता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा नॉट इज नेचुरल एंगुलर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, या ओमेगा नॉट को हम कह रहे हैं कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नेचुरल ऑसिलेशन का, जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई फोर्स्ड आप मोशन वहां नहीं देख रहे। तो आप इक्वेशन ऑफ SHM जो देख रहे थे उसको डिफरेंशियल फॉर्म में यदि लिखते हैं तो एक्सेलरेशन d2x / dt स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आइए प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू आ गया ए साइन ओमेगा नॉट टी। और ओमेगा नॉट जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता नेचुरल ऑसिलेशन वाला, तो आप क्या लिख देते अंडर रूट के बाय एम, जैसे सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन देखते कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तब। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में ये मान लो कि ब्लॉक यदि अवेलेबल है किसी लिक्विड वाले मीडियम में, तो लिक्विड के कारण जैसे विस्कस फोर्स होगा रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस जनरली वेलोसिटी के विस्कोसिटी का स्टोक्स लॉ देखेंगे तो एफ इक्वल्स टू 6 पाई, उसी तरह मान लिया इन जनरल कि विस्कस फोर्स है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वो क्या करेगा मोशन को अपोज। तो मैंने कहा जब प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डैम्पिंग फोर्स में आया है बीटा उसे कहते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा या डैम्पिंग जिस कारण से है उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये कॉन्स्टेंट की तरह आप एक इक्वेशन में यूज कर रहे होंगे। तो ये बीटा भी है डैम्पिंग फोर्स। तो आप जब इक्वेशन देखेंगे अब तो एक तो था माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप सोचो ब्लॉक जा रहा है राइट की तरफ, तो राइट की तरफ जा रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ और ये पॉजिटिव साइड में है एक्स जीरो के, ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा इमेजिन करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स भी लेफ्ट की तरफ और ये रेजिस्टेंस भी लेफ्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा वी बाई एम। अब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में यदि हम लिख देते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा पहले ये देखा डैम्पिंग हार्मोनिक के लिए ऑसिलेशन के लिए और फिर ये, और ये हार्मोनिक ऑसिलेशन ध्यान दीजिएगा डैम्पिंग यदि बहुत ज्यादा होगा तो उसे डेड बीट कहते हैं, बी यदि बहुत ज्यादा हुआ किससे ज्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से बहुत ज्यादा हुआ तब तो वो तुरंत आप डिस्प्लेस एक हिट करके इक्विलिब्रियम पे छोड़ोगे आगे जाके कहीं रुक जाए, यदि हेविली डैम्प्ड है तो वो आगे जाएगा बहुत हुआ तो थोड़ा वापस भी आएगा फिर रुक जाएगा, यदि बीटा बड़ा है ओमेगा नॉट से, और बीटा यदि छोटा है ओमेगा नॉट से, बीटा बहुत छोटा है ओमेगा नॉट से तब वो ऑसिलेशन होगा और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा फाइनली कभी इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा। अब यहाँ ये देखिए ये यहाँ देखिए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी बीटा बाई टू एम को हमने बी कह दिया स्मॉल बी ट्वाइस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हो जाता है टाइम के साथ वेरी करने वाला, एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है। आप यदि ग्राफ के हिसाब से देखना चाहें तो ग्राफ यदि SHM होता तो XT का जो ग्राफ दिखता वो इनफाइनाइट टाइम तक ये सिमेट्रिकली ये साइन का कर्व आप देख रहे होते ये जाता। लेकिन यदि आप बात करते हैं ना कि ये है डैम्प्ड, तो डैम्प्ड होने पर क्या होगा XT ग्राफ की एम्पलीट्यूड ये शुरू में जो दिख रहा है वो ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ये एम्पलीट्यूड होता जा रहा है कम। तो एम्पलीट्यूड यदि कम होता जा रहा है तो कब ये खत्म होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर कह देते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। ये डॉट वाला जो लाइन आपने खींचा है ये डॉट वाला लाइन दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड के कम होने को, तो ये एम्पलीट्यूड वाला रिलेशन हो जाता है एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी। ये देखिएगा ना जैसे आपने रेडियो एक्टिविटी यदि पढ़ा है तो वहां पर पॉपुलेशन के कम होने का रेट के लिए आप लिखा करते थे रेडियो एक्टिविटी में लिखा करते थे जैसे जैसे एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, वहां हाफ लाइफ हुआ करता था। हाफ लाइफ क्या हुआ करता था याद करिएगा, हाफ लाइफ हुआ करता था कितने देर में आधा हो जाएगा नंबर पॉपुलेशन, और वो लिखते थे ln 2 by lambda या 0.693 by lambda। मीन लाइफ होता था कितने देर में n नॉट से रेडियोएक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस का नंबर n नॉट by e एक्सपोनेंशियल e हो जाएगा।
तो हम लोग उस फॉर्मूले को यहाँ सोच सकते हैं, यूज करने के बारे में विचार कर सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी में आपने सीखा है। और यहाँ जो ओमेगा आएगा वो है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये जो है डैम्प ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का कहानी तभी बनेगा जब बी छोटा होगा ओमेगा नॉट से। यदि भी बड़ा होता, बहुत ज्यादा होता, तो वो आप धकेलते इक्विलिब्रियम से आगे जाके रुक जाता। यदि थोड़ा कम होता लेकिन ओमेगा नॉट से बड़ा होता तो धकेलते आगे भी जाता, वापस भी आता, फिर रुक जाता। और यदि बीटा बी बहुत कम है ओमेगा नॉट से तो वो ऑसिलेशन हमें दिखेगा और तब ये एम्पलीट्यूड कम होते दिखेगा। और ये इक्वेशन आपने सोल्यूशन भी देखे, यहाँ पर कितना आया है सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने पर। आप सर सॉल्व करना कौन सिखाएगा? तो सर आप जब मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स बीटेक में भी सीखेंगे, वहां भी डिटेल मिलेगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सब। अभी तो फिलहाल हमने आपसे ये कहा कि आप इसे ध्यान रख लीजिए, बस काम चल जाएगा। और ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो ओमेगा नॉट और बी दोनों से, बी और ओमेगा का एक ही बीटा बाय 2 m का जो यूनिट है वो पर सेकेंड, और ओमेगा नॉट का भी पर सेकेंड एक जैसे यूनिट के एलिमेंट है। और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये है ओमेगा। ध्यान दीजिएगा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। यहाँ अगले पेज पे यदि हम आते हैं तो नेक्स्ट पेज देखिए कि फोर्स्ड ऑसिलेशन की जब बात करेंगे, एक हो गया सिंपल ऑसिलेशन, एक हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन कि सिस्टम पे जैसे आप झूले पे बैठे रहते हैं, पीछे कोई दोस्त हो आपको, वो फोर्स प्रोवाइड कर दे, तो फोर्स प्रोवाइड कर दे तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो याद करिएगा कि 1 सेकेंड आपके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, और वो जो बाहर खड़ा इंसान आपको कंटिन्यूस एक या कभी कभी आपको एक रेगुलर इंटरवल पे फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है तो झूलने में बड़ा मजा आता है, सेम, और वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है काफी ज्यादा। उसको छोड़ो अभी फिलहाल, वापस आओ। फोर्स्ड ऑसिलेशन में फोर्स तो कैसे भी कोई भी दे सकता है ऑसिलेट करने वाले सिस्टम को। तो हमने माना कि एक डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा था और उस पर फोर्स लगना शुरू हुआ, तो कई तरह के फोर्स हो सकते हैं, तो हमने उसको भी सिंप्लीफाई किया, हार्मोनिकली फोर्स अप्लाई किया हार्मोनिक वे में। और वो फोर्स क्या था ब्लॉक पे लगने वाला? एफ नॉट साइन पी टी, जहाँ पी क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो एफ नॉट साइन पी टी हमने माना। बहुत तरह के हो सकते थे, हमने हार्मोनिक लिया सिंपल केस एक। तो ए इक्वल्स टू हो गया माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा वी बाई एम प्लस प्लस, क्यों? ये सपोर्टिव होगा। सोचो ना, हमने कहा फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सपोर्ट करेगा मोशन को, वी के डायरेक्शन में होगा। तो प्लस एफ नॉट साइन पी टी बाई एम, क्योंकि फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तब तो वो एक्सलेशन देगा, और ये लेफ्ट साइड में एक्सलेशन है तो राइट साइड में हर एक टुकड़ा एक्सलेशन आप देख रहे हैं। इनको राइट से लेफ्ट ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स को लाइए, बीटा वी बाई एम को लाइए, और एफ नॉट साइन पी टी को रहने दीजिए राइट साइड में। एफ नॉट बाई स्मॉल एम को स्मॉल एफ नॉट बाई जो एम आ रहा है उसको आप अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, स्मॉल एफ नॉट कह देते हैं अगले के अगले स्टेप में। और यहाँ टू से डिवाइड करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा के पास, चेक करिए बीटा के पास, तो बीटा के पास ये बीटा बाई टू एम, और ये टू ये बीटा बाई टू एम को बी कह देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बी जो है ये रेजिस्टेंस की तरह डाटा एक हो गया बीटा बाई टू एम, और ये जो एफ नॉट हो गया जो फोर्स एम्पलीट्यूड था ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड, उसको मास से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट उसे हमने कह दिया। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, d2x by dt square plus twice v dx by dt plus omega not square equals to f not sin pt। अब ये जनरल सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो एक होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डिटेल कभी पढ़ते हैं, अभी फिलहाल ये सोचो यहाँ एक टुकड़ा जो है ये इसे कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेट, मतलब टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड के साथ जो आपने डैम्पिंग वाला सोचा वो सारी कहानी। तो डैम्पिंग वाला ऑसिलेशन का एक टुकड़ा है सॉल्यूशन में और एक टुकड़ा जो है वो सी साइन पी टी माइनस डेल्टा टाइप हमने माना। और हमने जब इसे देखा तो टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो e टू दी पावर माइनस बी टी जीरो हो जाता है, तो ये ट्रांजिएंट स्टेट वन में ये पार्ट x का ये पहला पार्ट हमें दिखता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला, बाद में ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो फाइनली हमें जो ऑसिलेशन देखेगा वो c साइन पी टी माइनस डेल्टा। तो ध्यान दीजिएगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से फाइनली ऑसिलेशन होता नहीं दिखेगा ब्लॉक का, फाइनल ऑसिलेशन हमें दिखेगा उसी फ्रिक्वेंसी से होता जिस फ्रिक्वेंसी से यहाँ वो डैम्पिंग फोर्स सॉरी जहाँ यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन होता हमें दिख रहा होगा। तो जब ये
टाइम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो x जो एक सॉल्यूशन हमें दिख रहा है उसमें ट्रांजिएंट पार्ट e टू द पावर माइनस बी टी टाइम इनफाइनाइट होने पे टेंस टू इनफाइनाइट कह सकता हूं। तो बचेगा जो x का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू c इक्वल्स टू साइन पी टी माइनस डेल्टा। अब बारी आता है हम ये कैसे पता करें c का वैल्यू क्या होगा और ये डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। तो सोचो आप इस तरह से, जैसे कोई भी इक्वेशन हमारे सामने होता, तो कोई भी इक्वेशन हमारे सामने होता जैसे यहाँ है d2x by dt square plus twice b dx by dt plus omega naught square x plus f equals to f naught sin pt और इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया x equals to c sin pt minus delta। तो अब x का डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू और x का डायरेक्ट वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं और फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करते हैं सेम टर्म के कोफिशिएंट को। तो चेक करिए, ये जब हमने x को डिफरेंशिएट करके रखा, ये डबल डिफरेंशिएशन तो साइन कॉस में बदला, कॉस माइनस साइन में बदला, p दो बार बाहर आया, p स्क्वायर माइनस cp स्क्वायर sin pt माइनस डेल्टा प्लस ट्वाइस bp c cos pt माइनस डेल्टा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर c sin pt माइनस डेल्टा। और आगे राइट साइड में थोड़ा सा चेंज f not sin, उसमें से माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा करके यहाँ पर sin c plus d वाले फॉर्मूले से उसे एक्सपेंड कर दिया। तो राइट साइड में भी दो पार्ट हमें मिल गए और लेफ्ट साइड में भी दो पार्ट हैं। और अब चेक करिए, लेफ्ट साइड में दो पार्ट, पहले तीन थे, अब उसको दो पार्ट किया हमने और इक्वल्स टू के लेफ्ट एंड राइट साइड में sin pt माइनस डेल्टा के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, cos pt माइनस डेल्टा के कोफिशिएंट को इक्वेट किया और हमारे पास दो इक्वेशन आया। इनको डिवाइड करते हैं, tan डेल्टा आ गया। तो हमने फेज डिफरेंस पता कर लिया कि ड्राइविंग जो फोर्स है और जो स्टेडी स्टेट में डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है उनमें जो फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा, वो टेन डेल्टा हो गया ट्वाइस बीपी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जब इन दोनों इक्वेशन को जो कोफिशियंट कंपेयर करके फाइंड कर पाए हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो ये सी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ गौर करिए, यदि C को हमें मैक्सिमम बनाना है, मीन्स ऑसिलेशन के स्टडी स्टेट वाले एम्पलीट्यूड को आप यदि फोर्स्ड ऑसिलेशन में मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट और जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है P, इन दोनों को यदि इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेट करने पर ये क्या हो जाने वाला है, तो ये डिनोमिनेटर में एक सेक्शन जो कि स्क्वायर में है वो जीरो हो गया, कि मिनिमम वैल्यू स्क्वायर वाले टुकड़े का तो जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव वो हो नहीं सकता। तो हमने सी को मैक्सिमम होते देखा, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होते देखा, कब, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाए। अब यहाँ एक पॉइंट और सोचिए, यदि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर का है दोनों बराबर हुए और बी मीन्स डैम्पिंग नहीं हुआ, बीटा बाई टू एम जीरो हुआ, डैम्पिंग नहीं हुआ, तो ये जो सी होगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमसे पूछ देता है ये छोटा सा लाइन आकर के कि ऑसिलेशन जब होगा पोस्ट ऑसिलेशन तो स्टडी स्टेट में क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब हम देखेंगे तो वो ट्रांजिएंट स्टेट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन जब स्टडी स्टेट की बात करते हैं तो वो गायब है। तो स्टडी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो स्टडी स्टेट में केवल और केवल यहाँ हम देख रहे हैं, स्टडी स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि वो डोमिनेट करने लगता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो जाता है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। और हम लोग सी का वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो स्टडी स्टेट वाला होगा ऑसिलेशन का, पोस्ट ऑसिलेशन का, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो देखेंगे वो कब देखेंगे, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। और ये यदि ऐसा कंडीशन है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और बी बीटा बाय 2m जो है, बीटा है डैम्पिंग कोफिशिएंट, जीरो हुआ, डैम्पिंग हुआ ही नहीं, तो ये सी एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस बात
का आप ध्यान रखते हैं, और यदि ऐसा हुआ बीटा भी जीरो हुआ और डेल्टा ये इनफाइनाइट हो गया, तो उस केस में ये पाई बाई टू का फेज डिफरेंस दिखता है, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो हमने देखे इक्वेशन उनको सॉल्व करके स्टडी स्टेट का इक्वेशन आ गया है सी साइन पी पी माइनस डेल्टा और टेन डेल्टा ट्वाइस बी पी बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और सी जो हो गया एफ नॉट अपॉन एफ नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ ये रिजल्ट है हमारे पास। और अब ध्यान रखिएगा कि एक स्पेशल केस भी आगे बता दिया मैंने, ओमेगा नॉट पी के बराबर हो, इसका मतलब नेचुरल और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यदि सेम हो जाए तो सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सी हो जाएगा एफ नॉट अपॉन ट्वाइस बी पी, एफ नॉट का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एफ नॉट बाई एम और बी हो जाएगा बीटा बाई टू एम। पी जो हो गया ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो जाता है, नाउ पी इज स्टडी स्टेट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ये हमने सी जो देखा मैक्सिमम वाला वो कितना हो गया ओमेगा नॉट पी के बराबर होने पर एफ नॉट अपॉन ट्वाइस बी पी, और ये ओमेगा नॉट पी के बराबर और बी जीरो हो जाए तो सी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये इस पॉइंट को देखिए और यही हमारे लिए इस टॉपिक में काफी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।